आज मैं आपको बताने वाला हूं कि SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन में किसी भी शेयर्स को कैसे बाय किया जाता है। जब आप किसी भी शेयर को बाय करते हैं SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन में, तो वहां पे आपका शेयर कितने दिन आपके ऑर्डर बुक में रहता है और उस ऑर्डर बुक से कितने दिन बाद आपके पोर्टफोलियो में वो चला जाता है। और यहाँ पे आपको जो है कैसे सर्च करना है किसी भी शेयर्स को बाय करने के लिए SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन में, वो सारी जानकारी A to Z सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आपका भी स्टेट बैंक में खाता है तो आप स्टेट बैंक में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा के SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके किसी भी कंपनी का शेयर बाय यानी खरीद और बेच सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो चलिए चलते हैं SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ओपन करते हैं और देखते हैं कैसे किसी भी शेयर्स को बाय किया जाता है। यह वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। अगर आप शेयर मार्केट से किसी भी शेयर को बाय या सेल करते हैं तो इसका जवाब दे मैं या मेरा चैनल नहीं होगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर या अपना खुद का एनालाइज करके शेयर मार्केट से किसी भी शेयर को सेल या बाय करिए। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार से यूजर इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना MPIN डाल देना है, जो आपने MPIN बनाया होगा वो MPIN यहाँ पे आप जैसे ही डाल देंगे, डालते ही आपका SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यहाँ पे ऑर्डर बुक, वॉच लिस्ट और पोर्टफोलियो और यू। जैसे यहाँ पे पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो जो भी शेयर आप खरीदेंगे तो वो शेयर आपका यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा यहाँ पे पोर्टफोलियो में। और वॉच लिस्ट पर यहाँ पे आप जो शेयर खरीदना चाहते हैं यहाँ पे सर्च करके खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर बुक में यहाँ पे जो भी शेयर आप लिए रहेंगे वो पहले दिन आपका शेयर यहीं ऑर्डर बुक में दिखेगा। जो भी शेयर खरीदेंगे एक दिन तक इसी ऑर्डर बुक में रहता है। अब यहाँ पे हमें शेयर खरीदना है तो यहाँ पे वॉच लिस्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ ऊपर देखिए, इससे पहले आपको आपके वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे लिमिट पर क्लिक करेंगे, जैसे हमारे वॉलेट में देखिए SBI सिक्योरिटी वॉलेट में यहाँ पे 10,571 रुपये अभी है। तो यहाँ पे अगर आपके पास उस वॉलेट में पैसे नहीं है तो यहाँ पे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे होल्ड और रिलीज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे पैसे ऐड करने के लिए आपको ट्रांसफ़र जो है ट्रांसफ़र पर क्लिक करके यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र लिखा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पैसा आप वॉलेट में लाना चाहते हैं वो पैसा यहाँ पे डाल देंगे। जो भी पैसा आप लाना चाहते हैं वो डाल देंगे तो आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा आपके SBI सिक्योरिटी वॉलेट में चला आएगा। और यहाँ पे लाने का माध्यम देखिए, UPI से भी और नेट बैंकिंग से भी, दोनों से भी ला सकते हैं। जैसे नेट बैंकिंग पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र फंड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग और पासवर्ड यहाँ पे डालना होता है। यहाँ पे जैसे डालेंगे सबमिट करेंगे तो आपका पैसा जो आप अपने SBI सिक्योरिटी वॉलेट में लाना चाहते हैं आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए वॉच लिस्ट पर क्लिक करके अब यहाँ पे जो भी आप शेयर्स लेना चाहते हैं जिस कंपनी का, उस कंपनी का नाम डाल देंगे। जैसे मैं टाटा का लेना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे टाटा ही डाला, यहाँ पे देखिए टाटा के जितने शेयर्स हैं यहाँ पे सारे शेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए टाटा कंपनी के जितने शेयर्स हैं वो सारे शेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे टाटा पावर, टाटा एलेक्सी, यहाँ पे टाटा मोटर, और यहाँ पे सारे शेयर टाटा के सारे जो है कंपनियों के नाम यहाँ पे देखिए आ रहे हैं। जैसे मैं टाटा पावर का शेयर खरीदने वाला हूँ तो यहाँ पे टाटा पावर पर जैसे मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए आपको इस प्रकार से दिखेगा। खरीदने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे सेल और बाय। जैसे हमें खरीदना है तो आपको यहाँ पे बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है खरीदने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे बाय ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए डिलीवरी इंटरडे 2 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे डिलीवरी में खरीदेंगे तो आप जो है डिलीवरी पर क्लिक करेंगे, इंटरडे
में खरीदने वाले हैं इंट्राडे पर क्लिक कर लेंगे। जैसे मैं डिलीवरी में खरीदने वाला हूँ तो यहाँ डिलीवरी पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप कितने शेयर्स लेना चाहते हैं टाटा पावर के, वो शेयर वो नंबर डाल देंगे। जैसे मैं एक शेयर लेकर दिखाने वाला हूँ तो एक शेयर डाल दिया। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस पर आप लेना चाहते हैं तो आप इसी प्रकार से रहने देना है। अगर आप अपने हिसाब से प्राइस सेट करके लेना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर प्राइस डाल सकते हैं। यहाँ पे जो प्राइस आप डालेंगे वो प्राइस पे आपका शेयर मिल जाएगा जब वो प्राइस आपका आएगा शेयर। तो यहाँ पे जैसे मैं मार्केट प्राइस पे लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे चौकोर बॉक्स है, देखिए इस चौकोर बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक आपका शेयर मार्केट प्राइस पर बाय हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे चौकोर बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे नीचे आएंगे। अब यहाँ पे बाय पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल आएंगी। जैसे यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म, यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर, और नीचे आपको डिलीवरी में ले रहे हैं, एक क्वांटिटी एक ले रहे हैं। यहाँ पे आपको इस प्रकार से सारी डिटेल आ जाएंगी। यहाँ पे अब आपको कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका शेयर जो है वो सक्सेसफुली बाय हो गया है। अब इसे देखने के लिए यहाँ पे गो टू ऑर्डर बुक, जैसे मैं आपको बताया था, गो टू ऑर्डर बुक पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपका शेयर यहाँ पे आ गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं एक शेयर लेकर आपको दिखा दिया, यहाँ पे मेरा एक शेयर आ गया है, यहाँ पे एक्सक्यूट हो गया है, यहाँ पे डिलीवरी पर मिली डिलीवरी दिख रहा है, यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए ऑर्डर बुक में यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर बुक पर क्लिक करके आप जो भी शेयर ले रहेंगे वो देख सकते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो में देखेंगे तो यहाँ पे आज ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं आएगा, ये शेयर जैसा कि आपने देखा जो भी शेयर्स आप लिए रहेंगे पहले दिन वो सारे शेयर्स आपके ऑर्डर बुक में रहते हैं। इसके बाद आपके सारे शेयर्स दूसरे दिन जो है आपके पोर्टफोलियो में वो सारे शेयर चले जाते हैं, और वहां पे जाने के बाद आप उसमें देख सकते हैं कि आपने कितने रुपए का खरीदा है और आपको कितना रुपए ये शेयर प्रॉफिट दिया है, यानी कितना बढ़ा है कितना घटा है, वो सारी चीजें देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरे दिन जब आए पोर्टफोलियो में आपके जाता है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। शेयर लेने के एक दिन बाद देखिए, जैसे मैं टाटा पावर का एक शेयर लिया था तो यहाँ पे ऑर्डर बुक में जैसे मैं क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मेरे टाटा पावर का शेयर यहाँ पे अब नहीं है, ये शेयर आपका दूसरे दिन आपके पोर्टफोलियो में आ जाता है। जैसे मैं पोर्टफोलियो पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा टाटा पावर का एक शेयर जो मैं लिया था ये मेरे पोर्टफोलियो में आ चुका है। यहाँ पे 217 रुपये मैं लिया था, अभी इसका करेंट प्राइस 220 रुपये हो चुका है। यहाँ पे मेरा 2-3 रुपये यहाँ पे शेयर बढ़ गए हैं। यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे क्वांटिटी पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको टाटा पावर और यहाँ पे जो अभी प्राइस है वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो प्राइस हमने लिया है यहाँ पे दिख रहा है, 217 रुपये में लिया था और 220 रुपये अभी चल रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी यानी पूरी क्वांटिटी एक थी, यहाँ पे देखिए 5.50 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पे यहीं से हम इस शेयर को सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे 220 रुपये यहाँ पे देखिए दिखाई भी दे रहा है, यहीं से हम इस शेयर को सेल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वॉच लिस्ट पर क्लिक करके यहाँ से आप शेयर ले सकते हैं, जो भी शेयर लेना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर आप कोई भी शेयर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स को ऐड किया हूँ लेने के लिए, तो आप यहाँ पे शेयर्स भी ऐड करके रख सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में इस प्रकार से।